बेहतरीन नज़मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को। महफिल में होकर भी नहीं होते हम, शरीफ होते तुम्हारे होते हम, दिल के साफ थे तभी खो दिया तुमको, काश थोड़े चालाक होते हम। दिल के साफ थे तभी खो दिया तुमको, काश थोड़े चालाक होते हम। रोना मेरा तुम्हें दिखाई ना दिया, देता तो किसी और के पास ना रोते हम। और हमारे होने से क्या होता है, मेरी जान तुम ना होते तो कहाँ होते हम। हमारे होने से क्या होता है, तुम ना होते कहाँ होते हम। तुम होती किसी और की और मैं खुश होता, तुम होती किसी और की और मैं खुश होता, काश इतने बेबाक होते हम। तुम होती किसी और की और मैं खुश होता, काश इतने बेबाक होते हम। एक लोमड़ी चबा रही है मुझे, अगर मरना भी है तो फिर हमें कोई ऐसा बंदा मारे कि लगे कोई मौत मरे, पर हमें डिप्रेशन मारता है। तो एक लोमड़ी चबा रही है मुझे, काश किसी शेर की खुराक होते हम। एक लोमड़ी चबा रही है मुझे, काश किसी शेर की खुराक होते हम। मेरा हासिल बन जाती तुम जाना और तुम्हारी फिराक होते हम। मेरा हासिल बन जाती तुम जाना और तुम्हारी फिराक होते हम। अश्क बन हम जुदा हो गए, ये सब शायर कहते हैं, अश्क बन हम जुदा हो गए, काश तुम्हारी आंख होते हम। अश्क बन जुदा हो गए, काश तुम्हारी आंख होते हम। मेरे बारे में लिखने का सोचा है, मेरे बारे में सोचती हो तुम, मेरे बारे में लिखने का सोचा है, मतलब मेरे बारे में सोचती हो तुम। कुछ अशारों ने नाम कर दिया मेरा, वरना पूरे बेकार होते हम। कुछ अशारों ने नाम कर दिया मेरा, वरना पूरे बेकार होते हम। ये व्हाट्सएप पर सैड स्टेटस किस लिए, मुझे याद करती हो तुम। अरे अब तो तुम उसकी हो चुकी हो, अब तो नहीं रोती तुम। अब तो तुम उसको हां कर चुकी हो, अब तो नहीं रोती तुम। मुझे छोड़ने की धमकी दे रही हो, चली जाओ नहीं रोते हम। ये मेरा पहला था। अब बहुत छोटी सी एक और चार पांच। देखो मैं गजल नहीं कहता, क्योंकि मैंने ये सोशल हाउस में आके ये चीज सीखी है कि आप गजल कहते नहीं है, इसके पीछे बहुत टेक्निकलिटीज है। रवि भाई ने बहुत ज्ञान दिया है हमें, तो हमें वो याद है अच्छे से। तो आप नहीं क्लेम कर सकते कि आप गजल कह रहे हो, नहीं नहीं, हमारे फ नहीं होता, फ नहीं होता, फूल होता है, ये नहीं होता, वो होता है। तो ये मैं अपना 3 साल का पुराना याराना है, अभी तो तुम्हें वो गुरप्रीत दिख नहीं रहा जो गलती कर दी मैंने करता, तो इट इज अ चेंज, ही मस्ट, ही वो खुद बोलेंगे ये तो 2 साल में ठंडा हो गया, शादी हो गई। अगला मैं आपको सुनाता हूँ। अब आप इमेजिन करिए कि एक लड़की है, उसका लड़की को पता है कि अब ये मेरा ब्रेकअप होने वाला है। आज के ज़माने में ना लोग डरपोक हैं, मुंह पर नहीं कहते कि मेरे को जाने दे, आपको मजबूर करते हैं कि आप खुद उसे छोड़ें। और उस लड़की की तरफ से मेरी कुछ लाइनें हैं कि ये गम कब जिंदगी से जाएगा, कब मुझे खुशी में हंसना आएगा। गम में सब हंस रहे हैं, किसके पास गम नहीं है। ये गम कब जिंदगी से जाएगा, कब मुझे खुशी में हंसना आएगा। उसका नंबर फोन में है और चैट खुली, अब मैसेज किया ना तो शाम को ऑनलाइन आएगा। उसका नंबर फोन में है और चैट खुली, अब मैसेज किया तो शाम को ऑनलाइन आएगा। ना जाने कब वो उसको सीन करेगा, ना जाने कब नीला निशान आएगा। ना जाने कब वो उसको सीन करेगा, ना जाने कब नीला निशान आएगा। रिप्लाई तो उसका मैं जानती हूँ जानू, रिप्लाई तो उसका मैं जानती हूँ जानू, रिप्लाई से उसके मेरा रंग पीला पड़ जाएगा। रिप्लाई तो उसका मैं जानती हूँ जानू, रिप्लाई से उसके मेरा रंग पीला पड़ जाएगा। डीपी उसकी अब मैं देख नहीं सकती, ब्लॉक करने वाला है ना, नंबर नाम हटा दिया। लोग बहुत खेलते हैं व्हाट्सएप पे, प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेसी लगा देते हैं, कॉन्टैक्ट्स लगा देते हैं, है ना। तो डीपी उसकी मैं अब देख नहीं सकती, अब ये लास्ट सीन भी चला जाएगा। डीपी उसकी मैं अब देख नहीं सकती और ये लास्ट सीन भी चला जाएगा। और फिर शुरू होगा मेरे झांकने का सफर, कि अभी तो ऑफलाइन हुआ था, ये अभी ऑनलाइन आएगा।
कि फिर शुरू होगा मेरे झांकने का सफर, कि अभी तो ऑफलाइन हुआ था, ये अभी ऑनलाइन आएगा। अब लड़की बद्दुआ दे रही है उसको कि अगर मेरे साथ तू ये कर रहा है ना मुझे भुलाने के लिए, तो वो कह रही है कि मुझे भुलाने की कोशिश में देख लियो जालिम, क्योंकि फोन तो वो चला रहा है पर उसके साथ वो टॉर्चर चल रहा है, कि मुझे भुलाने की कोशिश में देख लियो जालिम, तू फोन चलाता हुआ अंधा हो जाएगा। मुझे भुलाने की कोशिश में देख लियो जालिम, तू फोन चलाता हुआ अंधा हो जाएगा, और मरने से पहले एक ख्वाहिश पूरी कर देना, जब मैं मर रही होंगी ना तो मिलने नहीं आएगा, जब मैं मर रही होंगी अब क्या फायदा, तो मिलने नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। 10वां टाइम।